الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا قربان ہو گیا جوان علی اکبر بھی قربان ہو گیا اور محمد بھی
कुर्बान हो गए ते हजरत गाजी अब्बास जैसे शाह सवार वो भी कुर्बान हो गए। आखिरकार खैमे दे अंदर दो शख्सियात बच गई मर्दा विचों, एक इमाम ज़ैनुल आबिदीन ते दूसरा सैयदना इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला। इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने जो तो देखा कि हुण मेरे बाप नाल खड़ा होने वाला कोई नहीं, पहले तो मेरे भाई है सन या दूसरे जड़े नाल दे साथी है सन, वो कुर्बान होने वास्ते आप दे नाल मौजूद सन। आखिरकार वो बीमारे करबला इमाम ज़ैनुल आबिदीन इंतहाई सख्त तबीयत खराब है, बुखार दा आलम है, बार बार बेहोश हो रहे हैं, बुखार इतना तेज़ है। आखिरकार खैमे दे अंदरों सहारा लैके बाहर आए तो इमाम हुसैन अर्ज करते हैं अब्बा जी हुण तुसी कल्ले रह गए हो तो मेरा दिल नहीं करता कि तुहानूं मैदान में जान दें, तुसी इजाजत मैनूं दिओ तो मैं भी उस खालिक दे दीन तों कुर्बान हो जाऊँगा। फरमान लगे कि मैनूं इजाजत दे दो मैं ही कुर्बान हो जावा। इतनी गल करके आप लर्ज के थले जमीन पर तशरीफ लै आए। तबीयत इस कदर खराब सी इमाम हुसैन ने इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने पकड़िया तो फरमाया बेटा नहीं, ये करबला के अंदर जितना वाकया हो रहा है करबला का जो जो मंजर तू अपनी अखा नाल वेख्या है इस मंजर को याद रखी तो मेरा विजदान ये कहता सी मेरे इमाम ने फरमाया होना कि सारा मंजर जाके करीमा का बारगाह में अर्ज कर देना, जाके अर्ज करना कि या रसूल अल्लाह तुहाडा कलमा पढ़ने वाले उम्मतिया ने तुहाडी अहले बैत नाल की हाल किया, अहले बैत नूं मेहमान बना के तो उन्होंने रवैया की पेश किया, ये सारा जाके मदीने जाके हजूर नर्ज करना तो साढ़ा तो अकीदा हजूर ने तो पता सी। लेकिन इमाम हुसैन ने फरमाया कि ना तुसी इतों जिंदा वापस जाना है तो अपनी अहले बैत की जड़ियाँ पाक बीबिया ने उन्होंने लैके मदीने वापस जाना है, इस वास्ते तू करबला के मैदान में नहीं जाना। आखिरकार इमाम हुसैन खुद करबला के मैदान में आए, करबला के मैदान में आए तो इमाम हुसैन ज़ुल्फ़िकार तलवार हाथ के अंदर है तो यजीदियों के लश्कर कटते जा रहे हैं, यजीदियों के लश्कर तहोबाला करते जा रहे हैं, गुरोह दर गुरोह आते हैं तो इमाम हुसैन उन्होंने कट के रख देते हैं क्योंकि सामने अली का पुत्र सी, अली का पुत्र सामने हाथ में ज़ुल्फ़िकार तो फिर सामने खड़ा होने की जरूरत कौन कर सकता सी। इमाम हुसैन को आखिरकार फैसला होया कि इमाम हुसैन साढ़े को इंज शहीद नहीं होने, दूरों हमला करो, ये अली का लाल है तो इन्हें किसी को अपने करीब नहीं आम देना, असी भावें जितने मर्जी तदा दे लेकिन इमाम हुसैन को शहीद नहीं कर सकेंगे। फैसला हो गया जी दूरों खड़े होकर तीर मारने हैं तो ज़ालिमा ने दूर खड़े हो गए, तीर अंदाजा ने कई तीर मारे, इमाम हुसैन अपनी सवारी दुख से तशरीफ लाए, सवारी भी जख्मी हो गई, इमाम हुसैन भी जख्मों नाल चूर हो गए। आखिरकार इमाम हुसैन जमीन से तशरीफ ले आए तो खौली बिन यजीद ओ हुण बंदा उन्होंने की कहे वो ज़ालिम इंसान अगे आया इमाम हुसैन का सर तन तो जुदा कर लगे तो मेरे इमाम ने सजदे के अंदर सर रख लिया, सजदे के अंदर सिर रखिया तो उस ज़ालिम ने तलवार मारी इमाम हुसैन का सर कट सन तो जुदा कर दिता, सर जुदा हो गया, इमाम हुसैन की कुर्बानी हो गई, पूरा अहले बैत का कुंभा जड़ा करबला के मैदान च गया अल्लाह के दीन की खातिर कुर्बान हो गया सिवाय इमाम ज़ैनुल आबिदीन दे, सिवाय इमाम ज़ैनुल आबिदीन के सारे जितने भी गए कुर्बान हो गए अल्लाह ताला दे दीन की खातिर कुर्बान हो गए। तो हुण मैं चलना जी मैं आज आयत पढ़ी क्या ईमान वाले हो अल्लाह का जिक्र करो कसरत नाल, ते ईमान वाले फिर अल्लाह का जिक्र क्यों करते हैं सुनो, खालिक कायनात ने इरशाद फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू हुसैन जो मदीने के अंदर तशरीफ फरमाने उस वेले भी अल्लाह का जिक्र करते हैं, जो मदीने तो चल के मक्के आए मक्के आके भी अल्लाह का ही जिक्र करते हैं, जो मक्के तो चल के करबला वाले चलते हैं कूफे वाले चलते हैं इमाम हुसैन फिर भी अल्लाह का जिक्र करते हैं, जो करबला के मैदान में डेरे लाए करबला के मैदान में मेरे इमाम ने खैमे लाए
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਜਦੋਂ ਕਿਆਮਤ ਦਾ ਮੰਜ਼ਰ ਕਰਬਲਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਅਹਿਲੇ ਬੈਤ ਦੇ ਜਵਾਨ ਕੱਟਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੰਨੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਸ਼ਹੀਦ ਹੁੰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਮੇਰੇ ਇਮਾਮ ਫਿਰ ਵੀ ਰੋਏ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਵੀ ਹਾਏ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਆਈ ਫਿਰ ਵੀ ਅੱਲਾਹ ਦਾ ਹੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਜ਼ਿਕਰ ਦੀ ਐਸੀ ਮਸਤੀ ਛਾਈ ਇਮਾਮ ਹੁਸੈਨ ਦਾ ਸਰ ਕੱਟ ਗਿਆ ਸਰ ਕੱਟ ਕੇ ਨੇਜ਼ੇ ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਕੂਫੇ ਦੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਫਿਰ ਰਿਹਾ ਲੇਕਿਨ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਜ਼ਿਕਰ ਦੀ ਐਸੀ ਮਸਤੀ ਛਾਈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਇਮਾਮ ਫਿਰ ਵੀ ਅੱਲਾਹ ਦਾ ਹੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਖਾਤਰ ਜਾਨ ਦੇਣ ਲੱਗੇ ਸਜਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਰ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਅੱਲਾਹ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਜ਼ਿਕਰ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸਰ ਤਨ ਤੋਂ ਜੁਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜਿਸਮ ਕਰਬਲਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਗਿਆ ਤੇ ਸਰ ਕੂਫੇ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਗਿਆ ਕੂਫੇ ਦੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਨੇ ਇਮਾਮ ਹੁਸੈਨ ਦਾ ਸਰ ਅਨਵਰ ਹੈ ਨੇਜ਼ੇ ਤੇ ਸਵਾਰ ਹੈ ਸਰ ਇਮਾਮ ਹੁਸੈਨ ਫਿਰ ਵੀ ਅੱਲਾਹ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਫਿਰ ਵੀ ਉਸ ਖਾਲਕ ਦੀ ਵਹਦਾਨੀਅਤ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਕੂਫੇ ਦੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਆਪਦਾ ਸਰ ਫਿਰਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਯਜ਼ੀਦੀਆਂ ਸੀ ਕੂਫੇ ਦੇ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇਮਾਮ ਹੁਸੈਨ ਦਾ ਸਰ ਅਨਵਰ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਰਹੇ ਨੇ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੇ ਕੁਰਾਨ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ ਕੁਰਾਨ ਕੀ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਮਹਸੂਤਾ ਅੰਨਾ ਅਸਹਾਬ ਅਲ ਕਾਫੀ ਵਰ ਰਕੀਮ ਕਾਨ ਮਿਨ ਆਯਾਤਿਨਾ ਅਜਬਾ ਖਾਲਕ ਕਾਇਨਾਤ ਨੇ ਇਰਸ਼ਾਦ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਅਸਹਾਬ ਕਾਫ ਦਾ ਕਿੱਸਾ ਬੜਾ ਹੀ ਅਜੀਬ ਹੈ ਸਾਡੀਆਂ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹੈ ਅਸਹਾਬ ਕਾਫ ਹੈ ਕੌਣ ਸਨ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਵਕਤ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਦਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਬਣ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਹ ਗਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਨਾਹ ਲੈ ਲਈ ਗਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੌਂ ਗਏ ਅਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਸੁੱਤੇ ਨੇ ਕਿਤਨੀ ਸਦੀਆਂ ਗੁਜ਼ਰ ਗਈਆਂ ਅੱਲਾਹ ਨੇ ਕੁਰਾਨ ਵਿੱਚ ਵਾਕਿਆ ਬਿਆਨ ਫਰਮਾਇਆ ਅੱਲਾਹ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਅਸਹਾਬ ਕਾਫ ਦਾ ਵਾਕਿਆ ਬੜਾ ਅਜੀਬ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅੱਜ ਵੀ ਸੁੱਤੇ ਨੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸਦੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਅੱਜ ਵੀ ਸੁੱਤੇ ਨੇ ਕਿਆਮਤ ਦੇ ਕਰੀਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਠਣਾ ਅਤੇ ਇਮਾਮ ਹੁਸੈਨ ਨੇ ਜਦੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣੀ ਨਾ ਹਸਿਬਤਾ ਅੰਨਾ ਅਸਹਾਬ ਕਾਫੀ ਵਰ ਰਕੀਮ ਕਾਨ ਮਿਨ ਆਯਾਤਿਨਾ ਅਜਬਾ ਇਮਾਮ ਹੁਸੈਨ ਦੇ ਸਰ ਅਨਵਰ ਅਬਦ ਲਬ ਮੁਬਾਰਕ ਹਿਲੇ ਅਤੇ ਅੰਦਰੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ ਇਮਾਮ ਹੁਸੈਨ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਐ ਕੁਰਾਨ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲਿਆ ਸੁਣ ਤੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅਸਹਾਬ ਕਾਫ ਦਾ ਵਾਕਿਆ ਬੜਾ ਅਜੀਬ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਸੁਣ ਲੈ ਕਿ ਮੈਂ ਹੁਸੈਨ ਦਾ ਕਰਬਲਾ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਣਾ ਕਰਬਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀਨ ਦੀ ਖਾਤਰ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਜਾਣਾ ਫਿਰ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਦਾ ਤਨ ਤੋਂ ਜੁਦਾ ਹੋ ਜਾਣਾ ਫਿਰ ਸਿਰ ਜੁਦਾ ਹੋ ਕੇ ਨੇਜ਼ੇ ਤੇ ਆ ਜਾਣਾ ਫਿਰ ਨੇਜ਼ੇ ਤੇ ਆ ਕੇ ਕੁਰਾਨ ਪੜ੍ਹਨਾ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਵੀ ਅਜੀਬ ਉਤਾਰਿਆ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਮੇਰਾ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਜੀਬ ਤਾਰੇ ਕਿ ਅਸਹਾਬ ਕਾਫ ਦੇ ਮਗਰ ਤੇ ਸਿਰਫ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕਤਲ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਅਜੀਬ ਤਰ ਕਿੱਸਾ ਬਣ ਗਿਆ ਕਿ ਆਪ ਆਰਾਮ ਫਰਮਾ ਨੇ ਲੇਕਿਨ ਹੁਸੈਨ ਨੂੰ ਕਰਬਲਾ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਖਤ ਲਿਖ ਕੇ ਬੁਲਾਇਆ ਬਜਾਏ ਕਿ ਮਹਿਮਾਨ ਨਵਾਜ਼ੀ ਕਰਦੇ ਪਾਣੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਬਜਾਏ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਤਕਰੀਮ ਕਰਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਆਪਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਮੇਰਾ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰਾ ਜਿਸਮ ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਸਰ ਦਾ ਜੁਦਾ ਹੋ ਜਾਣਾ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਸਰ ਦਾ ਨੇਜ਼ੇ ਤੇ ਆਉਣਾ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਸਰ ਦਾ ਕਰਬਲਾ ਕੂਫਿਆਂ ਦੇ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਰਾਨ ਪੜ੍ਹਨਾ ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਜੀਬ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਇਮਾਮ ਹੁਸੈਨ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਹੋ ਗਈ ਖੋਲੀ ਬਿਨ ਯਜ਼ੀਦ ਕਾਫਿਲਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਨਾਲ ਸੈਯਦ ਜ਼ਾਦੀਆਂ ਵੀ ਹੈ ਨੇ ਅਤੇ ਰਾਤ ਦਾ ਵੇਲਾ ਆਇਆ ਅਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਜਾਣਾ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਮਾਮ ਹੁਸੈਨ ਦਾ ਸਰ ਅਨਵਰ ਵੀ ਦੇ ਦਿਓ ਕਾਫਲੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਸਰ ਅਨਵਰ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਇਮਾਮ ਹੁਸੈਨ ਦਾ ਸਰ ਅਨਵਰ ਲੈ ਕੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਆ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਘਰ ਆਇਆ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬੀਵੀ ਸੀ ਖੋਲੀ ਬਿਨ ਯਜ਼ੀਦ ਦੀ ਬੜੀ ਅਹਿਲੇ ਬੈਤ ਦੀ ਮੁਹਿੱਬ ਸੀ ਹਜ਼ੂਰ ਦੇ ਘਰਾਣੇ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸੀ ਹਜ਼ੂਰ ਦੇ ਘਰਾਣੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸੀ ਉਹ ਬੀਵੀ ਸੁੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਖੋਲੀ ਬਿਨ ਯਜ਼ੀਦ ਇਮਾਮ ਹੁਸੈਨ ਦਾ ਸਰ ਅਨਵਰ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਅਤੇ ਲਿਆ ਕੇ ਤੰਦੂਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰੱਖ ਛੱਡਿਆ ਵੀ ਛੁਪਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਕੋਈ ਵੇਖ ਨਾ ਸਕੇ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਫਿਰ ਸਰ ਹੁਸੈਨ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਜੁਦਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕੁਰਾਨ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਸੀ ਇਮਾਮ ਹੁਸੈਨ ਦਾ ਸਰ ਅਨਵਰ ਤੰਦੂਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਖੁਦ ਜਾ ਕੇ ਲੇਟ ਗਿਆ ਸੌਂ ਗਿਆ ਉਹਦੀ ਬੀਵੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਉੱਠੀ ਅਤੇ ਉਹਨੇ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੜੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਫੈਲੀ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰੋਸ਼ਨੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਹੈ ਨੂਰ ਹੀ ਨੂਰ ਹੈ ਬੜੀ ਹੈਰਾਨ ਅਤੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਈ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਦੀਵੇ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਸੁੱਤੀ ਹਾਂ
तंदूर भी बुझा के सुतियाँ, रोशनी किस चीज़ दी है? चलती 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 जो इमाम हुसैन दे सरे अनवर दे करीब तंदूर दे करीब आई, तंदूर का ढक्कन हटा के वेख्या कि सरे हुसैन च रोशनियाँ निकल रही, नूर निकल रहा है, तो नूर आसमाना तक बुलंद हो रहा है, उसका पूरा घर रोशन है। बड़ी हैरान ते परेशान हुई ते आखिरकार उसने सरे हुसैन पकड़िया ते वेख्या ते बड़ी गमगीन हुई ते चलती चलती दौड़ के अपने खाली बिन यजीद को ले आई, आके कह लगी ज़ालिमा किथे आया है? खाली कह लगा मैं हुकूमत दे बागियां नाल जंग करके आया, मैनू उठाना मैनू सौण दे। उसकी बीवी कह लगी ना ना मैं तेनू सौण नहीं देना, पहले दसे सर किसा लेके आया है? ओ कह लगा हुकूमत दे बागी दा सर ले साल हज दे गई, लोग खाने काबे का तवाफ कर रहे, हज दे ईश्वर नु चुमण वास्ते एक दूसरे नु धक्के मार रहे, लोग एक दूसरे नु धक्के मार रहे। अचानक एक शख्स सवार आ गया, लोग हज दे ईश्वर नु छड़ के ओंदे हथा नु भी चुमदे ने, ओंदे पैरां नु भी जाके चुमदे ने। मैं लोगों नु पूछया आने वाला कौन है? ते लोकी कहन लगे बीबी परेशान ना हो, हज दे ईश्वर जिने नबी ने दो तीन वार हुसैन, वो हुसैन आया है। लोग कहने लगे कि हजरे अश्वर के वास लोग धक्के मार रहे हैं, हजरे अश्वर में तो करीम आका ने दो तीन या चार बारी चुनिया होएगा, लेकिन हुसैन वो वेख जिन्हें छे या सत साल मेरे करीम आका चुनते रहे हैं। उसकी बीवी ने कहा लान दिया अहले बैत का खून करके आया, तो फिर कहना मैं तेरे नाल रहा? ना ना हूँ घर छड़ के तू निकल जा, या मैं घर छड़ के चलूँ। रिवायात चाहता उस खातून ने घर छड़िया, घर छड़ के जंगल में डेरे ला लए, हट के उन्होंने किसे खलो किसे ने किस लोग दुनिया में किसे बंदे ने उस खातून ने देखा ही नहीं, वो दुनिया छड़ के सैड पे हो गई। कहने लगी तू अपना दीन भी बर्बाद कर देता है, अपनी दुनिया भी बर्बाद कर देती है। तो खौली बड़ा सख्त परेशान हो गया कि मेरे नाल बनिया की दीन भी उजड़ गया, दुनिया भी उजड़ गई। इमाम हुसैन ने सारा कुंभा कुर्बान कर देता, खुद भी कुर्बानी दे रही थी, खुद भी कुर्बान हो गए तो सारा कुंभा भी कुर्बान कर देता। फिर क्यों ना पढ़िए कि कुंभा खुदा की रात को आया हुसैन ने सारे मिल के पढ़ लो, कुंभा खुदा की रात को आया हुसैन ने सारे जिक्र करना है। उन्होंने बैद का जिक्र सुन रहे हो तो करो भी सही, आसान लफज ने जिन्हों नहीं आते आखिर तो हुसैन ने यह तो कह सकते हो ना कि मैं शेर तो मैं पढ़ रहा, आखिर तो हुसैन ने तो कह सकते हो ना, ये तो सारा नहीं आता, बोलो ना कह सकते हो, बोलो तो सही, कहो फिर सारे मिल के पढ़ो कि कुंबा खुदा भी राते को आया हुसैन ने खंजर जेठ फरेज में निभाया हुसैन ने मेरी हुकूमत के खिलाफ ना हो जाए, अपने आप को बड़ा अहले बैत का मुजरिम जाहिर करने लग पाया। इमाम ज़ैनुल आबिदीन फरमान लग गया कि तुसी सैयद हो,
एक दूसरे को इल्जाम दे रहे हैं कि तू कत्ल किया इमाम हुसैन तू शहीद किया है, खौली कवे शिमर ने किया, शिमर कवे यजीद ने किया है, यजीद कवे खौली ने किया, एक दूसरे को इल्जाम दे रहे हैं। तो यजीद कहने लगा इमाम ज़ैनुल आबिदीन को, दसो तुसी चाहते की हो? इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने फरमाया कि मैं चाहना वा कि यजीद सुनो, यजीद जामिया मस्जिद दमिश्क के अंदर खतीब सी, कलमा दे पढ़ता सी, खतीब जिथे मैं बैठा इंज बह के खुतबा देता हुंदा सी। जिस दिन सरे हुसैन आ गया, काफिला आ गया, सारे शहीद हो गए, तो उस दिन भी जुमे वाला दिन सी, तो उन्हें खुतबा देना सी मस्जिद में जाके। इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने फरमाया यजीद सुन, तू लोगों को दिखाने की खातिर बड़ा मुहिब बन गया अहले बैत दा, लेकिन अज खुतबा मैं देवांगा, अज खुतबा तू नहीं खुतबा मैं देवांगा। यजीद कहने लगा ठीक है। इमाम ज़ैनुल आबिदीन मस्जिद आ गए, जामिया मस्जिद दमिश्क। इमाम ज़ैनुल आबिदीन मिंबर से तशरीफ ले आए, मुअज़्ज़िन ने अजान शुरू कर दी थी। तो जिस वेले मुअज़्ज़िन अजान पढ़ता जा रहा, अजान पढ़ा पढ़ा ने पढ़िया अशहदु अन्न मुहम्मद रसूलुल्लाह, मेरे इमाम ज़ैनुल आबिदीन फरमान लगे अजान पढ़ने वाले ऐसे अजान वाले का वास्ता देना वा, अगे एक लफ्ज़ भी ना बोलिए ठहर जा। मुअज़्ज़िन अजान पढ़ता पढ़ता रुक गया, मेरे इमाम ज़ैनुल आबिदीन फरमान लगे ओ यज़ीद कि हुसैन नु शहीद करके कहना है कि तू जित गया है, ना ना तू जितया नहीं तू हार गया है, क्योंकि जड़ी अजान पढ़ी जा रही दस ए तेरे नाने का ना है कि अजान विच मेरे नाने का ना है। आपने फरमाया तू हार गया है, ये अजान जड़ी हो रही है ना दस अशहदु अन्न मुहम्मद रसूलुल्लाह, ये तेरा नाना है कि हुसैन का नाना है, दस सही। तू तो बड़े दावे कर रहे हैं, जाहिरी तौर पे तू समझ रहे हैं कि तू जित गया है, ना ना तू जितया नहीं, तू जलील हो के हार गया है, तेन शिकस्त हो गई है, हुसैन जित गया है, हुसैन का जरा नस्ब ऐर सी वह भी जित गया है, हुसैन का मिशन भी जित गया है, हुसैन का मिशन अज भी जिंदा है, क्योंकि ये तो दसना कि अगर तू जितया हों तो फिर आजान हुसैन के नाने की जगह तो नाम तू तेरा नाम होना सी, तेरे नाने का नाम होना सी, लेकिन आजान अज भी ऐलान कर रही है कि हुसैन जित गया, हुसैन का दीन भी जित गया है। इमाम ज़ैनुल आबिदीन आप काफिले तो जुदा हुए, आपने दूसरी शर्त यह सी कि मैनू मदीने जान दो, पाक बीबिया लैके इमाम ज़ैनुल आबिदीन अपना काफिला रह के मदीने वाल आ रहे हैं। अगू एक कोई चाण वाला आ गया, जिमें अज भी लोग कहते हैं कि मजलूम मजलूम मजलूम, कुछ कर नहीं सके, कुछ हो नहीं सकिया, सब कुछ कर सकते सी अहले बैत, वो सामने आया इमाम ज़ैनुल आबिदीन हाथों में हथकड़ियाँ पैरों में बेड़िया ने, वे के कहने लगा थोड़े ने बड़ा जुलम होया, तुसी कुछ कर नहीं सके। इमाम ज़ैनुल आबिदीन जलाल में आ गए, आपने फरमाया चुप कर जा, फरमाया चुप कर जा, आपने अंज हाथ उत्ते किया, हाथ करके अंज किया तो हथकड़ियाँ खुल गई, आपने पैर मुबारक खोले तो पैरों की बेड़िया भी खुल गई, आपने फरमाया कि वो अल्लाह की रजा सी करबला, करबला में साढ़े अहले बैत का शहीद हो जाना, मेरे बाप का शहीद हो जाना अल्लाह की रजा वास्ते सी, असी सब कुछ कर सकते सी, लेकिन फिर भी असं उस खालिक की रजा में राजी रहे हैं, उस खालिक की रजा सी तो असं राजी रहे हैं, तू ये ना समझ किसी को असं कुछ कर नहीं सकते सी, असं अगर चाहते तो करबला इंज पलटा के रख देंगे, इंज सारा कुछ लुटा के रख देंगे, यजीद तो यजीद की फौज की पूरी दुनिया दी फौजा भी आ जांदियां, ते इमाम हुसैन ने कल्ले ही पढ़ के रख देना सी, लेकिन असी अल्लाह की रजा में राजी सी। आखिरकार वो काफिला चलता चलता मदीनातुल मुनव्वरा आ गया, इमाम ज़ैनुल आबिदीन नाल ने, मदीने मुनव्वरा के लोग की समझ रहे हैं कि इमाम हुसैन आ गए ने, तो नाल सारा उन्होंने काफिला भी आ गया है, लोग इस्तकबाल वास्ते बाहर आए, इमाम ज़ैनुल आबिदीन अगे अगे तो सारा काफिला नाल है, लोग इस्तकबाल वास्ते अगे आए, अगे आके वेख्या कि इमाम ज़ैनुल आबिदीन कल्ले ने, इमाम हुसैन भी कोई नहीं, नन्ना अली असगर भी कोई नहीं, जवान अली अकबर भी कोई नहीं, अहले बैत दूसरे जवान भी कोई नहीं, सारिया बीबिया ने तो कल्ले ज़ैनुल आबिदीन, वो सारे मदीने वाले हैरान थे, रोन लग पे, पूछण लगे की होया है, आपने फरमाया कि इमाम हुसैन भी शहीद हो गए ने, आपके रुफका भी शहीद हो गए ने, मदीने वाले कहा सी ना कि सुनियो मदीना छड़ के ना जाओ, मक्के वाले भी कहा कि कूफी जड़े हैं वफा नहीं करेंगे, ना छड़ के जाओ, लेकिन इमाम हुसैन सारा कुछ छड़ के चले गए, तो सारे रोन लग पे, बड़े हैरान थे परेशान, भाई हुजूर
कोल सन, वो कुर्बान हो गए, शहीद हो गए। इमाम ज़ैनुल आबिदीन आपने फरमाया रुको, मैं जरा ये सारा वाकया करबला अपने नाने ने सुना के रखा। अज किसी लोग नूं, अज दुनिया के अंदर इस दौर के अंदर किसी के पुत्र नूं, किसी बंदे नूं बंदा कोई मारे या कोई गलबात या कोई जुल्म ज्यादती करे ना, तो उसनों बड़ा माण होंदा है। किसी बच्चे नूं मार तो उन्हों माण की होंदा, मैं जाके अपने बाप नूं दसांगा। किसी वड्डे नूं मार तो उन्हों माण की होंदा है कि मेरा फलाना अफसर लग्या, मैं उन्हों जाके दसांगा। कोई होर वड्डे अहुदे ते आ जाए, किसी फौजी नूं मारो तो कहेगा मैं जनरल नूं जाके दसांगा। लेकिन जिन्हें इमाम हुसैन नूं शहीद किया होगा, तो उन्होंने फिर शिकायत हजूर की बारगाह में लानी, जाके हजूर नूं सारा वाकया करबला सुनाना सी। इमाम ज़ैनुल आबिदीन हजूर दे रोज़े अनवर ते आ गए, ते हुजूर दे रोज़ा अनवर ते आ के इमाम ज़ैनुल आबिदीन फरमांदे ने, अर्ज करदे ने, नाना जी इमाम हुसैन शहीद हो गए ने, इमाम हुसैन भी शहीद हो गए, नन्ना अली असगर भी शहीद हो गया है, जवान अली अकबर भी शहीद हो गया है। इमाम ज़ैनुल आबिदीन सारा वाकया करबला सुनांदे ने, ते हुजूर दे रोज़े वल वेख के अर्ज करदे ने, अर्ज करदे ने के सुनावा जाना लोगों,
देखना गैर की बातों में ना आना लोगों। आज लोग कोई कहने ने किन्ने लोग ऐसे कहने ने के मानो हुसैन करबला जड़े गए तख्त वास्ते गए उन लांतियां वास्ते एक कोई जुमला है कि जड़ा जन्नत का सरदार हो गए ने दुनिया के तख्त मुकरना की जड़े जन्नत के जवाना दे सरदार हो जिन्हों को जन्नत दिया बादशाहियां हो जिन्हों को सैयदी सरदारी होए जड़े उम्मत दे शाह सवार ते उम्मत दे गमखार नबी दे दोतरे होन उन्हां नूं दुनिया दी बादशाहत उन्हां दे सामने की हैसियत रखदी है।